हाई डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। जैसा कि आपको मालूम है, इंडियन एयरफोर्स का ग्रुप एक्स एंड वाई का ऑनलाइन टेस्ट जो हुआ था, उसका आपका रिजल्ट आ गया है। और सबसे पहले तो तमाम बच्चों को जो क्वालिफाई किए हैं, स्पेशली जो दून डिफेंस अकेडमी के स्टूडेंट हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में क्वालिफाई किए हैं, उनको मेरी तरफ से, पूरी टीम डीडी की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेल डन बॉयज। और जो नहीं कर पाए किसी कारणवश, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। जैसे कि मैं हमेशा बताता आया हूँ, आपने देखा होगा रिजल्ट में भी, जो रिजल्ट अभी एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई का आया है, कि जिस तरह से, जिस पैटर्न पे आपको बताया था, पूरा सेम उसी पैटर्न पे रिजल्ट तैयार हुआ है। कट ऑफ कितना जाएगा, कैसे नाम आपका कट ऑफ में क्वालिफाई कर सकता, फॉल कर सकता है, किस तरह से आपको यहाँ डीडी में बताया था, एग्जैक्टली सेम टू सेम वही एक्सपीरियंस है जो 15 ईयर का है, जो आज फिर से एक बार आपके सामने साबित हुआ है। एनीवे, अभी हम उतना खुश नहीं होते, क्योंकि ये पहला स्टेज है, स्टेज वन क्वालिफाई किया है, अभी आपका स्टेज टू है, अभी सिर्फ आपका ऑनलाइन टेस्ट, रिटर्न टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो क्वालिफाई हुआ है, अभी आपका स्टेज टू बाकी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुने। देखिए, मोर देन 17,000 से ज़्यादा बच्चे जो इंटैक है 01-2021 एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई के लिए, उसमें क्वालिफाई किए हैं। दूसरा, ओपन रैली भी चल रही हैं, आप देख रहे होंगे, अभी पिछले दिनों हरियाणा में ओपन रैली हुई थी, अभी यूपी में, कानपुर में है, दिल्ली में, उत्तराखंड और दिल्ली की है, आपका झारखंड की, बिहार में है, और एमपी में है ग्रुप वाई की रैली, भोपाल में। तो ये तमाम रैलीज भी जो भी हो रही है, ये भी इंटेक 01-2021 के लिए है। तो 17,000 प्लस बच्चे ये, और प्लस जो बच्चे अभी क्वालिफाई कर रहे हैं रैली के थ्रू, वो तो ये एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे होंगे, और उसमें से मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अब आपका स्टेज टू भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप किसी भी गलत फहमी में, किसी भी खुश फहमी में मत रहना कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। नहीं, मोर देन 20,000 से ज़्यादा बच्चे फाइनल मेरिट के लिए होंगे, और उसमें से कुछ 2,000 के करीब बच्चे आप इंटेक के लिए, जो ट्रेनिंग के लिए बेलगांव जाएंगे। तो सोच लीजिए कितना बड़ा कंपटीशन है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो 10 साल ये चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। तो अब स्टेज टू में भी आपको आउट होने के काफ़ी चांसेस हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई तो। आपका एडमिट कार्ड आपका आ ही गया होगा, ये एडमिट कार्ड है आपका जो स्टेज टू के लिए, वो आप डाउनलोड कर लेना एयरफोर्स की वेबसाइट से, इसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दिए हुए हैं, आगे पीछे पूरे इसको अच्छे से पढ़ लेना, ओके। इसका एक वीडियो मैं भी बना के डाल दूंगा। तो स्टेज टू इज़ इक्वल इम्पोर्टेंट, और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टेज वन से, क्योंकि इसमें निकलने के, छटने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि आपका जब स्टेज वन में आपका फेज़ वन फेज़ टू चलेगा, तो आप देखना उसमें आपके निकलने के चांसेस ज़्यादा है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है तो। जो दो दून डिफेंस अकेडमी के स्टूडेंट हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए हम 21 दिसंबर से एक बैच रख रहे हैं स्टेज टू एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपका पार्ट वन पार्ट टू दोनों हम कंप्लीट कराएंगे, और डीडी के बच्चों के लिए एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो। और जो बच्चे बाहर गए हैं, जो अपनी डीडी से उन्होंने रिटर्न टेस्ट की कोचिंग नहीं ली है, आउट स्टेशन के हैं बाहर के बच्चे, वो भी जो हमारी फीस है, आप देख लेना हमारी वेबसाइट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से और बहुत सीरियसली कहना चाहता हूँ, कि फ्री के चक्कर में आप कहीं पे भी अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि रिटर्न टेस्ट आपने निकाल लिया, लेकिन अगर स्टेज टू नहीं निकालोगे, और इसमें मैंने आपको बताया मोर देन 20,000 से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई होंगे, 17,000 प्लस इसमें, प्लस ओपन रैलीज के थ्रू जो बच्चे जाएंगे, उसमें से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी 2,000 के करीब, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि कितने चांसेस हैं, कितने बच्चे, लगभग 18,000 से ज़्यादा बच्चे बाहर होंगे, 18,000 से ज़्यादा बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि ये इंटेक 01-2021 बैच के लिए है। तो कहीं भी प्लीज़ डू नॉट टेक चांस, सीरियसली इसकी जहाँ अच्छी प्रिपरेशन हो स्टेज टू के लिए आपकी, वहीं जाना, क्योंकि स्टेज टू में जो दो टेस्ट हैं, वो आप अच्छे से देख लेना क्या क्या होगा। हमारे यहाँ जो बच्चे आएंगे, हमारे एकेडमी के बच्चे आएंगे या जो बाहर के आएंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होगी स्टेज टू की, क्योंकि उसमें आपका दो पैटर्न दिए हुए हैं,
आपने देखा होगा कि उस स्टेज टू में क्या होता है, वो दो पैटर्न आपको हम बिल्कुल अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कराएंगे, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2, और उसका क्या मेथड होते हैं, किस तरह से होता है, वो जब आप ट्रेनिंग में आएंगे, कोचिंग के लिए आएंगे, हम आपको बताएंगे। ये जनरल ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये वही लोग करा सकते हैं जिनका डिफेंस बैकग्राउंड है, जो एयरफोर्स में रहे हैं, जिनको पता है कि किस तरह से आगे चीज़ों को चलाना है, क्योंकि उसमें आपका देखा जाएगा कि आप एक तो ज्योग्राफिकली जो डिफ़िकल्ट एरियाज हैं वहाँ पे आप सर्विस कर सकते नहीं कर सकते, दूसरा आप मिलिट्री लाइफ के लिए तैयार हैं कि नहीं है, आपका आउटलुक, आपका यू नो एटीट्यूड, आपका नज़रिया मिलिट्री लाइफ के लिए बना है कि नहीं बना है, तो आपको वही गाइड कर सकता है जो खुद रहा हो। हमारा जो स्टेज टू का प्रोग्राम होगा, जो कोचिंग चलेगी आपकी यहाँ पे, वो एक्सपर्ट द्वारा होगी जिनका बैकग्राउंड डिफेंस का, स्पेशली एयरफोर्स का। एक ग्रुप कैप्टन हमारे डीके तनवर जी, जो ग्रुप कैप्टन यानी कि इक्वल टू कर्नल, उनका उनके अंडर में ये प्रोग्राम चलेगा, और आपको किस तरह से गाइड करेंगे, किस तरह से आपको आगे परफॉर्म करना है, जो आपका GD होगा, SRT होगा, और जो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है 1 और 2, उसमें ख़ास तौर से दो चीज़ें देखी जाएंगी, एक आप ज्योग्राफिकली जो डिफ़िकल्ट एरियाज है वहाँ पे सर्विस कर सकते नहीं कर सकते, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप मिलिट्री लाइफ के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं, तो वो चीज़ें आपको भी शायद नहीं पता होगी, वो चीज़ें हमारे एक्सपर्ट आपको जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी आपके अंदर से ढूंढ के आपको बताएंगे, बेटा ये चीज़ है गलत, ये चीज़ें सही, इस पर आपको काम करना है, इस पर आपको काम नहीं करना है, ओके। तो DDA के बच्चों के लिए मैंने बताया एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो बाहर के बच्चे हैं उनके लिए नॉमिनल फीस रखी हुई है, वो हमारी वेबसाइट में भी दी हुई है। स्टेज टू की 7 डेज का कोर्स है, एक 15 डेज का कोर्स है, आप चूज़ कर लेना जो आपको करना है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डिटेल डाल दी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया है जिससे आपको कॉन्टैक्ट करना है। DDA के बच्चे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, उमेश कुनियाल सर आपके कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, उस नंबर पर आप अपना जो आपने जो क्वालिफाई किया है उसका स्कोर कार्ड, आपका DDA रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फोटो, सिटी, वो सब आप व्हाट्सअप कर दो, और अपनी सीट बुक करा लो, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर बैच में बहुत बड़ी संख्या में दून डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और इस बार मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, और ऐसा तो हमेशा ही होता है कि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, मतलब स्टेज टू के जो एग्ज़ाम है या जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, कहीं स्टूडेंट आपको दून डिफेंस एकेडमी के दिख जाएंगे, जो आज अच्छी पोजीशन पे हैं, जो आज आपका एग्ज़ाम आने वाले टाइम पे आपका एग्ज़ाम लेंगे। तो ये लेगेसी है दून डिफेंस एकेडमी की, जो कल तक बच्चे यहाँ पढ़ के गए हैं वो आज आपका टेस्ट लेंगे, ना सिर्फ एयरफोर्स में बल्कि नेवी में, आर्मी में, हर एक जगह DDA के बच्चे हैं, और ये कॉल लेटर निकाल के एडमिट जो स्टेज चुका है इसके अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, आगे पीछे पूरी जानकारी इसमें दे रखी है, इसका एक वीडियो बना के मैं भी डाल दूंगा आपको। फिर से मैं कह रहा हूँ इसको लाइटली मत लेना, 20,000 से ज़्यादा बच्चे आपके कॉम्पिटिशन में हैं, और करीब 2,000 के करीब ही आपके फाइनल बेलगांव तक जाएंगे, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी स्टेज टू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बिल्कुल लाइटली मत लेना, और जहाँ अच्छी ट्रेनिंग मिले, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, एक्सपर्ट हो वहाँ पे, जहाँ भी आप ट्रेनिंग के लिए जाएं वहाँ एक्सपर्ट होने चाहिए उस चीज़ के लिए, तो ही आपको वो ट्रेनिंग करा सकते हैं, फ्री के चक्कर में या दूसरे चक्कर में। यूट्यूब पे तो बिल्कुल भी ये चीज़ें, यूट्यूब पे अगर ये कोई चीज़ें आपको करा रहा है फेस टू की स्पेशली, प्लीज़ अवॉइड, आई एम टेलिंग यू प्लीज़ अवॉइड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर सारी चीज़ें हैं, और ये लोगो देख रहे हैं एयरफोर्स का, क्या वायुसेना का, यह है नव स्पर्श दीपम, यहाँ तक आपको पहुँचना है, स्काई इज द लिमिट। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।